हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज फिर हाजिर है एक नई क्लास के साथ और आज की क्लास में हम फिर जानेंगे नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2024 जो 20 जनवरी को हुआ था उससे रिलेटेड जानकारी लेंगे। दोस्तों, हमने वीडियो अभी बहुत ही जल्द बनाया था और बहुत सारे उस पर कमेंट आए हुए थे। उन कमेंटों के सवालों का जो जवाब है उस जवाब को लेकर के मैं आया हूँ और आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब कोई चीज़ या कोई वीडियो बनती है उस पर ढेर सारे क्रॉस क्वेश्चन अभिभावकों के मन में, बच्चों के मन में उठते हैं कि नहीं, अगर ऐसा हो तो क्या होगा, अगर वैसा हो तो क्या होगा। तो वैसे ही कुछ खास क्वेश्चन हमारे जो अभिभावकगण हैं उन्होंने पूछा था। मैंने बहुत जल्द ही अभी वीडियो आपको बनाया था कि जिसमें मैंने बताया था कि बहुत ही कम मेरिट आपकी जाती है और जा सकती है, बहुत कम मेरिट पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। नवोदय में बहुत कम नंबर पा करके भी आपका सिलेक्शन होता है और बहुत ज़्यादा नंबर लाने वाले बच्चे का कभी कभी सिलेक्शन नहीं होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फंडा जो यहाँ पर है मिला जुला के कि कम नंबर पे सिलेक्शन कब होता है, ज़्यादा नंबर पे सिलेक्शन ला करके भी सिलेक्शन नहीं होता है, तो उसकी स्थितियों को जानना चाहिए आपको। वो स्थितियाँ हैं, जाहिर सी बात है कि मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था कि जो आपकी 80 सीटें हैं, इस 80 सीटों में से मैंने बता रखा था कि 75% सीटें जो होती हैं ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए होती हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए होती हैं, और 25% जो होती हैं शहरी, केवल शहरी नहीं है, शहरी और ग्रामीण दोनों इसमें शहरी भी है और ग्रामीण भी। यहां पे केवल क्या है, 75% सीटें ग्रामीण की होती हैं और टोटल जो सीट आपकी है इसका लगभग एक तिहाई सीट आपकी किसकी होती है, लड़कियों की सीट होती है। प्यारे, किसकी सीट होती है, लड़कियों की। लगभग 26-27 सीट आपकी किसकी है, लड़कियों की। ये फिक्स है, इतना लड़कियों को लेना ही लेना है, ध्यान देना। 26-27 सीट लड़कियों की है, वो भी उसमें 75% ग्रामीण के क्षेत्र की होंगी। तो सिंपल सी बात है कि लड़कियों की मेरिट तो बहुत ही कम जाने वाली है। अगर आप 80 का 75% निकालो, 80 का 75% यदि आप निकालो प्यारे, 25 तिया 75 25 चौक को 100, 4 से काटोगे 20, 20 तिया 60, मतलब 80 में से 60 सीट ग्रामीण के बच्चों का होगा, ध्यान दे रहे हैं, ग्रामीण के बच्चों का होगा। और इसका एक तिहाई ले लेंगे तो लगभग 20 सीट इसमें लड़कियों का है, तो लड़कियों की मेरिट बहुत कम जाने वाली है। इसी से रिलेटेड हमारा आज का सवाल है। हमने बताया था प्रॉब्लम अब फंसने वाली है ना कि ग्रामीण होगा कौन और शहरी होगा कौन। लोगों का क्राइटेरिया था, लोगों के दिमाग में ये बात थी कि भाई मेरा लड़का शहर में रहता है, शहर में रहता है तब तो सिंपल सी बात है कि उसका स्कूल तो शहरी होगा। नहीं जी, ये जरूरी नहीं है। कुछ लोग हैं, मेरा लड़का तो गांव में रहता है, सिंपल सी बात है कि भाई वो ग्रामीण होगा। नहीं, ये भी जरूरी नहीं है। लड़का शहर में रहता हो, लड़का गांव में रहता हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, रहने से फर्क नहीं पड़ता। ध्यान दीजिएगा, फर्क पड़ता है कि लड़का जिस विद्यालय में पढ़ता है वो विद्यालय कहाँ है। क्योंकि आपका निवास तो नवोदय ने क्लियर कर लिया कि भैया निवास उसी जिले में होना चाहिए जिस जिले में नवोदय में एडमिशन लेना चाहते हैं। निवास प्रमाण पत्र आपका इसीलिए बनवा रहा है वो कि निवास प्रमाण पत्र उसी जिले का होना चाहिए जिस जिले में आप, क्या होना चाहिए, आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, वो तो क्लियर है। अब बात है कि आप शहर में रहें गाँव में रहें, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपके रहने से मतलब नवोदय को नहीं है, नवोदय का मतलब है कि भैया आपका बच्चा जिस विद्यालय में पढ़ रहा है वो विद्यालय कहाँ है, ग्रामीण क्षेत्र में है या शहरी क्षेत्र में है। देखिए, प्रश्न ये नहीं है, अभी प्रश्न आगे मैं बता रहा हूँ प्रश्न उनका क्या है। तो अभी तो ये क्लियर कर लीजिए कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र की बात। तो ग्रामीण क्षेत्र वो होगा कि अगर विद्यालय आपका ग्रामीण क्षेत्र में है और बच्चा उसमें पढ़ता है, इसका मतलब वो बच्चा क्या है, ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा है। विद्यालय शहर में है, शहरी क्षेत्र में है और बच्चा उसमें पढ़ता है तो शहरी क्षेत्र का बच्चा। ये डिसाइड कौन करता है, तो डिसाइड आपके बीओ करते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी, या तो फिर स्कूल से भी
पता चल जाता है, स्कूल भी इसको पुष्टि करके दे देता है, नहीं तो आपके बीओ साहब इसको बिल्कुल पुष्टि करके बता देते हैं कि भाई आपका स्कूल किस में पड़ता है। एक बात क्लियर हो गई, अब आप एक कन्फ्यूज़न तो नहीं रहेंगे, हम शहर में रहते हैं तो हम शहरी ही हो गए ना, हम शहर में रहते हैं हम शहरी हो सकते हैं, लेकिन बच्चा हमारा जिस विद्यालय में पढ़ता है अगर वो विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में है तो ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा बोला जाएगा, और ग्रामीण वाला जो आपका ये 75% मिल रहा है इसमें वो बच्चा आएगा, ध्यान दीजिएगा। अब दूसरी बात, जो प्रश्न है वो प्रश्न पूछा गया है, एक कौशल करके भाई साहब हैं, उन्होंने पूछा है कि सर मेरी बेटी है, मेरी बेटी ने क्या किया कि 3 क्लास और 4 क्लास, उन्होंने कहा कि सर मेरी बेटी है वो 3 क्लास और 4 क्लास शहर में पढ़ी है। कहाँ पढ़ी है? शहर में, मतलब शहरी क्षेत्र वाले स्कूल में पढ़ी है। उनके कहने का मतलब ये है कि वो शहरी क्षेत्र वाले स्कूल में पढ़ी है, शहरी क्षेत्र वाला स्कूल है उसका, कौन क्षेत्र वाला है? शहरी क्षेत्र वाला स्कूल है। उनका कहना यह है कि उसका स्कूल क्या है? शहरी क्षेत्र वाला है, ठीक है। लेकिन फिर वो आगे कहते हैं कि सर जो क्लास उसका 5 है ना, ये ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल से कर रही है, ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल से कर रही है, तो क्या सर वो ग्रामीण वाले में है या शहर वाले में है? तो मैं बिल्कुल क्लियर बता दूं कि आपका बच्चा कोई एक भी क्लास 3, 4, 5 में से कोई एक भी क्लास यदि वह शहर के क्षेत्र से किया हुआ है तो वह शहरी क्षेत्र का ही बालक माना जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण क्षेत्र का बालक नहीं होगा। ये 3 साल उसे ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल में ही पढ़ा होना चाहिए, क्लियर कट आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2 साल शहर में और 1 साल आप ग्रामीण में तो ग्रामीण क्षेत्र का बालक, ऐसी क्राइटेरिया नहीं है, ये बात बिल्कुल आप दिमाग में अपने बैठा लीजिए। तो यही भाई साहब का प्रश्न था, मैं इसी प्रश्न के लिए खासतौर से ये वीडियो लेके आया था। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी और कोई आपकी समस्या है तो ज़रूर कमेंट करिएगा, उसका जवाब हम ज़रूर आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जय हिंद दोस्तों।